नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। सीमा सुरक्षा बल ने भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर क्वाड कॉपर ड्रोन को किया नष्ट, ड्रोन में लदा सामान किया बरामद। अमृतसर पुलिस ने बसंत एवेन्यू में जुआ खेल रहे 21 नौजवानों को किया काबू, 7,50,000 रुपए की नकदी की बरामद। वारिस पंजाब के नेता अमृतपाल सिंह के खिलाफ मसीही भाईचारे ने पीएपी चौक जालंधर में धरना लगाकर किया रोष प्रदर्शन, सख्त कार्यवाही की मांग। और अब हलचल विस्तार से। गत दिवस सीमा सुरक्षा बल ने भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सरहद अमृतसर में एक क्वाड कॉपर ड्रोन को नष्ट कर दिया। पिछले 3 दिनों से इस सरहद पर इस तरह की यह दूसरी घटना है। बीएसएफ के मुताबिक 12 किलोग्राम भार वाले इस ड्रोन में 4 प्रोपेलर थे, जिन्हें बीएसएफ की 22वीं बटालियन के जवानों ने रात लगभग 9:15 बजे अमृतसर सेक्टर में रानिया सीमा चौकी के पास मार गिराया। इसमें कुछ सामान लदा हुआ था। बीएसएफ के जवानों ने ड्रोन से लाए गए सामान को भी बरामद कर लिया है। ऐसी एक और घटना में 13-14 अक्टूबर की दरमियानी रात में बीएसएफ के जवानों ने गुरदासपुर सेक्टर में एक बड़े पाकिस्तानी ड्रोन को भी मार गिराया था। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। दीपावली का त्यौहार नजदीक आने से पहले कुछ लोग अवैध जुआ खेलने का काम बड़े ही धड़ल्ले से करते हैं और पुलिस की ओर से इन लोगों पर नकेल कसने के लिए सख्ती अपनाई जा रही है, जिसके चलते अमृतसर थाना मजीठा रोड पुलिस की ओर से बसंत एवेन्यू इलाके में जुआ खेलते हुए नौजवानों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान पुलिस ने लगभग 21 नौजवानों को जुआ खेलते हुए काबू किया है, जिनके पास से पुलिस ने 7,50,000 रुपए की नकदी भी बरामद की। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसीपी नॉर्थ वरिंदर खोसा ने बताया कि पुलिस को जानकारी मिली थी कि अमृतसर के बसंत एवेन्यू इलाके में हरकीरत सिंह नामक नौजवान अपने घर में अवैध जुआ खेला रहा है, जिस पर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए पुलिस ने 21 नौजवानों को जुआ खेलते हुए रंगे हाथों काबू कर लिया। पुलिस ने इनके पास से 2 हुक्के भी बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। आज करीब सुबह सानू 4 बजे के करीब एक इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई कि बसंत एवेन्यू दे विच हरकीरत सिंह सन ऑफ हरमीत सिंह कोठी नंबर 6D अपने घर दे विच काफ़ी लोगों को बुला के उत्ते शरेआम जुआ खेडते हैं ते उत्ते हुक्के भी चलते हैं ते होर भी इलीगल एक्टिविटी चल रही है। बंदे दी इनफॉर्मेशन ते जदों असीं मौके ते पहुँचे तो उत्थों सानू मालक कोठी दे मालक हरकीरत सिंह दे समेत करीब 21 बंदे असीं उत्थों फड़े, जो कि मौके ते जाके देखिया कि जुए दा सेवन कर रहे सी ते नाल काफ़ी वड्डी मात्रा दे विच हुक्के अपना गैम्बलिंग भी चल रही थी। उस तो बाद असी जो मौके पर जाके इसे रेड की तो सानू मौके तो जो जुआ चल रहा सी उस विच करीब 7,50,550 रुपये रिकवर हुए ने। उत्तों सानू 3 हुक्कियां दी रिकवरी हुई है ते असी उसने उन सारे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करीब 21 बंदियां नू अरेस्ट किया। जालंधर में ईसाई भाईचारे की ओर से वारिस पंजाब के नेता अमृतपाल सिंह के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया गया, क्योंकि वारिस पंजाब के नेता अमृतपाल सिंह की ओर से गत दिनों प्रभु यीशु मसीह को लेकर विवादित टिप्पणी की गई थी, जिसको लेकर ईसाई भाईचारे के लोगों में गुस्सा पाया जा रहा है, जिस कारण उनकी ओर से पीएपी चौक को जाम कर रोष प्रदर्शन की बात की गई थी। इस दौरान ईसाई भाईचारे को सर्विस लेन रोष प्रदर्शन के लिए दी गई थी, मगर कुछ विवाद हो जाने के बाद गुस्साए ईसाई भाईचारे के लोग मेन हाईवे पर आ गए और यातायात बाधित कर रोष प्रदर्शन किया। वहीं इस वजह से राहगीरों को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। मैं राष्ट्रमसी समाज का नेशनल प्रेजिडेंट हाँ, जो तुम सारे पता भी पिछले दिनों के वारस पंजाब जथेबंदी का जोड़ा आगू जोड़ा बनया फिर उन्हें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बारे कहा भी जोड़ा वो अपने आप नहीं बचा सके तुम कि बचाऊगा। देखो असी सारे धर्मों का मान सत्कार करते हैं, असी साढ़े लिए सारे जोड़े धर्म ने सत्कार योग ने। अज साढ़े किसी बंद ने किसी गुरु बारे नहीं बोलिया ना असी बोलना, क्योंकि वो साढ़े भी गुरु आ। एक बंदा मूर्ख हो सकता, सारे बंदे मूर्ख नहीं हो सकते। सो असी
प्रशासन अगे ताडे माध्यम राही बेनती करते हैं, सरकार अगे बेनती करते हैं भी जिहड़े साडे हिरदे वरुंदरे गए ने और ते अमृतपाल ते परचा दर्ज करके उन्हें जेल पिछे सुटिया जाए, जिहड़ा मसीह भाईचारे का रोष शांत होवे। देखो असीं इत्थे सारे इकट्ठे होए हैं कि तुसीं चाहुंदे हो भी असीं सारा जिहड़ा वा बंद करिए, असी शांति पसंद लोग हाँ, असी लोगों को तंग परेशान नहीं करना चाहते, असी सारे धर्मों का सत्कार करते सारे समाज में नाल लैके चलते रहे हैं, चलते नाल लैके चलांगे और असी अपना रोष प्रदर्शन जरूर करांगे। ये अज इत्थे ही काम खत्म नहीं हो जाता, पूरे पंजाब भर के आने वाले दिनों अगर सानू इंसाफ नहीं मिलता पूरे पंजाब के इदा ही धरने लगन गए कि अमृतपाल जिहड़ा अरैसट करके उन्होंने जेल के सुटिया जाए। लेकिन साड़ी मीटिंग भी हुई, सानू प्रशासन ने बुलाया भी है, इदां दी गल नहीं, साड़ी प्रशासन ने सुनी है। लेकिन प्रशासन ने सानू आश्वासन दिता सीगा कि असी इस मसले नू जिहड़ा आ उह संडे तक हल कर देवांगे, लेकिन वह मसला जिहड़ा आ उह हल नहीं होया। इस करके असी जिहड़ा अल्टीमेटम दिता सीगा कि मंडे नू धरना लावांगे, सानू मजबूरी यह धरना लाना पै गया। 10-20 जने इधर आने की कोशिश करते, उन्होंने समझा दिता गया रोड चल रहा किसी तरह का ट्रैफिक जाम नहीं, स्टेज तो भी उन्होंने अगल मैसेज दी है। जिहड़ा तुहाडे वल्लों बैरीगेड किए हुए थे क्रिश्चन भाईचारे के लोगों ने, वो बैरीगेड भी चक के सड़क तक ले आए थे? नहीं, ये एक दो मिनट लिए किसी बंदे ने विचों करता, उन्हें समझाया वापस चले गए। किस गल नूं लैके सड़क ते आ गए? नहीं, कोई ऐसी गल नहीं सी, उन्हां दा स्टेज चल रहा है, उत्ते अनाउंसमेंट कर रहे हैं अपना। जगराओं शहर से 4 दिन पहले अगवा हुई 6 साल की मासूम बच्ची को गहरी मंडी जंडियाला गुरु की पुलिस ने अभिभावकों के हवाले कर दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक गहरी मंडी निवासी कुलवंत कौर ने बताया कि गत दिवस एक कालू नामक व्यक्ति उनके अहाते में आया और उसे काम पर रखने के लिए कहा, जिसने कहा कि उसके साथ उसकी 6 वर्ष की बच्ची है और उसकी पत्नी की मौत हो चुकी है। जब उसने बच्ची के साथ बात की तो उसने पंजाबी में उसके साथ बात की, जिसके बाद उसे शक हो गया कि ये बच्ची उसकी नहीं है, जिसकी सूचना उसने पुलिस को दी, जिसके बाद उन्हें पता चला कि उक्त व्यक्ति इस बच्ची को जगराओं से अगवा करके लाया है, जिसके बाद पुलिस ने उक्त व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। जब उसे सख्ती से पूछताछ की तो उसने बताया कि वह इस बच्ची को जगराओं से अगवा करके लाया है, जिसके बाद उन्होंने जगराओं पुलिस के साथ बात की और उक्त बच्ची को जगराओं पुलिस की मदद से उसके माता पिता के हवाले कर दिया। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। क्यों किडनैप क्यों किया बच्चे ने तुम्हें? अपना काम मंगने वास्ते भी मैं मेरी बच्ची है, वाइफ मेरी मर गई है, रात उत्थे रहे आ, उन्होंने शक होया ते उन्होंने फिर सवेरे सानू इतलाह दी भी आ गल आ भी बच्ची लगती नहीं है, फिर इत्थे लै के जो सख्ती ने पुछा बंदे नूं उन्हें फिर दसता भी मैं चुक के लिया जगराओं तो, फिर अपने सीनियर अफसर गल अपना गल की जी फोन से, फिर उन्होंने अफसर गल हुई जगराओं वाले, फिर इंचार्ज साहब ना गल होगी जिसे परचा दर्ज ही वो आ गए, फिर साढ़े परचा दर्ज लड़ींदा है ये जगराओं पहला भी परचा आया इतने वो भी सेम चीज उदो कुड़ी छड़ के भज गया ही नहीं ये उतो हो जी अं तो चलो पूछा जरा थोड़ा बहुत बाकी जी तफतीश है वो उ करेंगे जिसे परचा दर्ज होया ਵੀ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਬੱਚੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਤੇ ਏਫਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗਰਾਉਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਏਫਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗੈਪ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਤੇ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਲੱਭੀ ਹਾਂਜੀ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹਾਨਾ ਮਾਰ ਦਵਾ ਦਈਏ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਬਸ ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇੜੇ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨਾਲੇ ਉੱਧਰ ਕੈਮਰੇ ਕੁਮਰੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਆ ਕੈਮਰੇ ਕੁਮਰੇ ਬਾਹੂ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਆ ਕੈਮਰੇ ਕੁਮਰੇ 'ਚ ਆਈ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁੜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੋ ਉਹਨੇ ਟੈਂਪੂ ਟੂੰਪੂ ਕਰਾਇਆ ਫਿਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਗਿਆ ਸਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਸ। अमेरिका की सबसे बड़ी और पुरानी इमेच्योर बॉडी बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन नेशनल फिजिक कमेटी की ओर से गत दिवस जालंधर के रेड क्रॉस भवन में एक दिवसीय बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें पंजाब सहित हिमाचल प्रदेश राजस्थान हरियाणा और अन्य पड़ोसी राज्यों के बॉडी बिल्डर्स ने शिरकत की। वहीं कंपटीशन एनपीसी वर्ल्ड वाइड के नेशनल प्रेसिडेंट हेमंत अंगरीश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस कंपटीशन में 250 के करीब जाने माने बॉडी बिल्डर्स ने शिरकत कर अपनी प्रतिभा का खूब लोहा मनवाया।
तो वहीं इस मौके पर द क्रॉकरी वर्ल्ड के मालिक चांद शूर और उनके बेटे करण शूर बतौर मुख्य मेहमान शामिल हुए। समारोह में फेडरेशन के महासचिव डॉक्टर अंकुर हस्तीर, जाने माने बॉडी बिल्डर वरिंदर घुम्मन प्रिंस कौंडल और बस्ती दानिशमंदा के प्रधान काला कश्यप के अलावा बड़ी संख्या में गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। इस एक दिवसीय कंपटीशन में इंटरनेशनल जज डॉक्टर रीटा जारत, नेशनल जज लवलीन कुमार और नेशनल जज अश्विनी कुमार ने निर्णायक मंडल की भूमिका अदा की। वहीं इस अवसर पर द क्रॉकरी वर्ल्ड के मालिक चांद शूर और उनके बेटे करण शूर ने विभिन्न कैटेगरीज के तहत हुए इस कंपटीशन के विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया। फेडरेशन के नेशनल प्रेसिडेंट हेमंत अंग्रीश ने बताया कि पहला स्थान अर्जित करने वाले प्रतिभागी को 51,000 रुपये, दूसरे स्थान पर आए प्रतिभागी को 21,000 रुपये, जबकि तीसरा स्थान हासिल करने वाले प्रतिभागी को 11,000 रुपये की नकद राशि भेंट की गई। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। 6वां मिस्टर हस्तीर मिस्टर पंजाब जो इवेंट हो रहा है जालंधर में ऑर्गेनाइज किया गया, पहला तो ऑर्गेनाइजर्स में बधाई देना, बहुत वधिया इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया, बहुत ही ज़्यादा पार्टिसिपेंट आए हुए ने कंपीट करने वास्ते, जोड़े मुंडे तो सिलेक्शन होंगे टॉप 3 चाहेंगे कि जाके IHF मिस्टर एमचूर ओलंपियाड कंपीट करेंगे। सारे एथलीट्स मेरे वालों वेल विशेस, जो जित के जाएंगे और जोड़े फर्स्ट नहीं आ सकेंगे उन्होंने अगले साल होर प्रिपरेशन करनी वधिया करके आऊँ। बॉडी बिल्डिंग इज़ अबाउट लाइफ स्टाइल, ये लाइफ है, पूरी लाइफ देनी पैंती है, ये कोई 1 ईयर 2 ईयर शॉर्ट गेम नहीं है। सो अज जी सा हिंदुस्तान की जनरेशन है बहुत कनैक्टेड है, फिटनेस पर्टनिटी बहुत ज़्यादा ग्रो करती पी ऑल ओवर वर्ल्ड, इंडिया इज़ बिग कंट्री, साड़ी यूथ जनरेशन है सब तो दुनिया के अगर देखा जाए तो सब तो बहुत यंगस्टर जनरेशन जी है हिंदुस्तान की है। सो इट्स गुड कि साढ़े जो नौजवान ने वधिया पासे लगते पे ने, पंजाब वास्ते होर भी वधिया चीज़ है। पंजाब सरकार की ओर से अमृतसर जिले में जिला योजना कमेटी के नव नियुक्त किए गए चेयरमैन जसप्रीत सिंह ने पंजाब कैबिनेट मंत्री इंद्रबीर सिंह निज्जर, विधानसभा क्षेत्र पूर्वी से विधायक जीवन ज्योत कौर और विधानसभा क्षेत्र सेंट्रल से विधायक डॉक्टर अजय गुप्ता एवं अमृतसर के मेयर कमलदीप सिंह रिंटू की मौजूदगी में अपना पदभार ग्रहण किया। अमृतसर के रंजीत एवेन्यू बचत भवन में करवाए गए इस समागम में कैबिनेट मंत्री इंद्रबीर सिंह निज्जर ने विशेष रूप से पहुंचकर जसप्रीत सिंह को बधाई दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि जसप्रीत सिंह पिछले 7 वर्षों से आम आदमी पार्टी में लगातार अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं और पार्टी ने अपने वर्करों के ऊपर भरोसा दिखाते हुए उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी है और वे आशा करते हैं कि जसप्रीत सिंह अपनी जिम्मेदारी पूरी तनदेही से निभाएंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में पंजाब सरकार अमृतसर जिले के सर्वपक्षीय विकास के लिए वचनबद्ध है और इसके लिए तैयार की गई योजनाएं बहुत जल्द पूरी की जाएंगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी वास्ते एक बड़ा बड़ा दिन है क्योंकि जो जिम्मेवारी आम आदमी पार्टी सुप्रीमो श्री भगवंत श्री केजरीवाल साहब ने ते साडे जिहड़े मुख्यमंत्री ने भगवंत मान जी इन्हां सब ने रल के जो जिम्मेवारी जसप्रीत जी ने दिती है वह जी जिम्मेवारी है चेयरमैन ऑफ द अमृतसर प्लानिंग कमीशन, तो अज वो दिन शुभ दिन है साढ़े वास्ते और मैं बहुत खुश हाँ क्योंकि जसप्रीत जी बहुत देर तो पार्टी ने जुड़े हुए ने, कई सालों तो देर 10 साल ही मेरे ख्याल हो गए हैं जो भी पार्टी बनी उदों तो ही जुड़े ने, तो बहुत मेहनती ने और पार्टी ने उन्हें रिस्पैक्ट करते हुए उन्होंने उन्होंने सेवावान देखते हुए उन्होंने जिम्मेदारी दी है, ये पार्टी वर्कर्स को उत्साह मिलता कि नशा हैगा असं मान रहे हैं पर नशा 6 महीने च नहीं आया, ये किन्ने सालों तो चलता आ गया जिथे पहुंचे बट वो जी चीज़ वेखण वाली है वह ये है कि कोई MLA ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਡਿਕਟਸ ਨੂੰ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਡੀਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ CP ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਕੌਂਸਟੇਬਲ ਸਾਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉਸ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਟ ਬੀਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੇ ਜਿਹੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਵਾਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਜਰ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ
ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਭੈਣਾਂ ਵਾਂਗ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਟੀਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। पंजाब में फेस्टिवल सीजन शुरू हो चुका है, जिसको ध्यान में रखते हुए अमृतसर के रेलवे स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ की ओर से संयुक्त ऑपरेशन के तहत सर्च अभियान चलाया गया। इस मौके पर रेलवे पुलिस के अधिकारी धर्मेंद्र कल्याण ने बताया कि दीपावली पर्व के मद्देनजर ये चेकिंग शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि वे अक्सर रेलवे स्टेशन पर चेकिंग करते रहते हैं और अब ये चेकिंग रेगुलर की जा रही है। उन्होंने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि अगर किसी को कोई शक्की सामान नजर आता है तो उसकी सूचना तुरंत नजदीकी पुलिस थाने में दें, ताकि प्रत्येक व्यक्ति के जान और माल की रक्षा की जा सके। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। माननीय एडीजीपी रेलवे पंजाब वालों, एआई साहब वालों और बाकी सीनियर अफसर वालों सानू इंस्ट्रक्शंस दे ली गईयां आ रहीयां। उस संबंध वैसे तो आप रूटीन चैकिंग करते हैं, पर अज असी स्पैशल एक जॉइंट चैकिंग की है, जिसे आर पी एफ और जी आर पी ने इकट्ठिया ने रल के एंटी सैबोटेज टीम लैके ये पूरे स्टेशन पर जी सर्च की है, क्योंकि अपकमिंग जी दिवाली आ रही है और इस तों इलावा बाकी त्यौहार वगैरह भी आ रहे हैं, वो मद्देनज़र जी चैकिंग अच्छी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के जन्म दिवस को लेकर जहां आम आदमी पार्टी के नेताओं में भारी उत्साह पाया जा रहा है, तो वहीं नाभा के विधायक गुरदेव सिंह देवमान की ओर से भगवंत सिंह मान का जन्मदिन झुग्गी झोंपड़ियों में जाकर बच्चों के साथ केक काटकर और लड्डू बांटकर मनाया गया। इस मौके पर विधायक देवमान ने कहा कि पंजाब में माहौल खराब करने की ताकतें सिर उठा रही हैं, उन्हें किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और किसी को भी पंजाब का माहौल खराब नहीं करने दिया जाएगा। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। बहुत मुबारक देना पंजाबी ने दिल की धड़कन साढ़े हरमन प्यारे मुख्यमंत्री क्रांतिकारी मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान जी का जन्मदिन है। अज नाभा दे विच असीं स्पैशल गरीब बच्चियां दे विच आके झोंपड़ियां च आके ये जन्मदिन मना रहे हैं। मैं केक उन्होंने कटवाया जी और मूँह मिठा कराया, केक नाल लड्डू खवाए उन्होंने, तो बड़िया दुआवां दे रहे सारे के जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। साडियां दुआवां ने परमात्मा कि भगवंत मान साहब हमेशा चढ़दी कला च रहन, तंदुरुस्त रहन। सो अज यह एक क्योंकि बर्थडे की खुशी जी है जी, वो सारे पंजाब दे विच अलग अलग तरीके नाल सारे कोई सोशल मीडिया से पोस्ट पा रहा, कोई केक कट रहा, तो असी भी यह कोशिश की है। नरेंद्र मोदी ने भी दी ने बधाई की कहना चाहते हो? बिल्कुल, मोदी साहब प्रधानमंत्री ने मौके पर साडे रिस्पैक्टड ने और भगवंत मान साहब भी रिस्पैक्टड ने, वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने, एक प्रोटोकॉल बनता है जी, बधाइया तो बन दया ने जी। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आदर्श नगर जालंधर की ओर से सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के प्रांगण में विशेष शिविर लगाया गया, जिसमें बीके जनकराज बीके राजू भाई ने बताया कि इस शिविर में राजयोग ध्यान द्वारा सर्व समस्याओं का समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है, इसके बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान अलग अलग प्रयोगों और योगिक क्रियाओं को दर्शाती प्रदर्शनी भी लगाई गई। इस मौके पर बीके जोगिंदर भाई, बीके किरण, परमिंदर भाई, अनिल, जगजीत, राजकुमार, बलदेव, राजू, वरिंदर, बीके साध्वी, बीके मोक्ष और सागर भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर परिसर स्थित ट्रस्ट महाकाली मंदिर में साप्ताहिक भजन संध्या करवाई गई। इस भजन संध्या में भजन मंडलियों ने मां की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को मंत्रमुग्ध किया। इस अवसर पर मंदिर कमेटी की ओर से योगेश्वर शर्मा, अशोक सोबती, दिनेश सागर व चंद्र मोहन ढींगरा ने आई हुई पार्टियों को सम्मानित भी किया। इस अवसर पर अशोक शीतल राजेंद्र कपूर, ब्रिज प्रभाकर नरेश शर्मा, जवाहर पुजारी सोहनलाल साथी और किरण कुमार सहित मां भक्त मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट। Oh, my God.
सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तला मंदिर के पावन दरबार में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस भजन संध्या में प्रसिद्ध भजन गायकों ने मां की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश किया। इस मौके पर रमेश जलंधरी, अशोक शीतल, पंकज ठाकुर, दीपक ढींगरा, चंद्रमोहन ढींगरा, विनोद शर्मा, कपिल सहगल, राजकुमार मास्टर हरिचंद, शुभम सहगल, महंत रमेश कुमार, नाजी अग्रवाल, सौरभ सेठ सहित असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट।